हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अंजू मौर्य, और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग फंजाई पार्ट टू को लेकर आए हैं। ठीक है, फंजाई पार्ट टू में हम देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने फंजाई पार्ट वन देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार बैक जाके वीडियो में देख लीजिए। आज के लेक्चर में हम लोग फंजाई पार्ट देखिए। फंजाई पार्ट वन में हमने फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल ए सेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं, और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या क्या होती है, डोलीपोड सेप्टा क्या होता है, टोरोला स्टेज क्या है, डाइप्लैंटिज्म क्या है, और इसके अलावा जो है हमने और सारे डाइकैरियोफेज क्या होते हैं, सब हमने देखा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़, ये चार्ट जो मैंने बनाया वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते कि सारे के सारे फंजाई के कैरेक्टर्स को मैंने एक जगह, सारी की सारी चीज़ें मैंने एनालाइज किया और उसके बाद सारे कैरेक्टर मैंने एक जगह रखा है। अब उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है कैरेक्टर्स। ठीक है, फिर ये सारे क्लास हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। अब इनमें जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे ये मैंने नहीं बनाया है, मैं इसको बना दे रही हूँ, तो आप ज़रा ध्यान से देखिए। कैरेक्टर में सबसे पहला है कॉमन नेम। फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई कहते हैं, एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई कहते हैं, और बेसिडियो को ये इतनी चीज़ें कही जाती है। क्या क्या कही जाती है देखो, ब्रैकेट फंजाई कहते हैं, क्लब फंजाई कहते हैं, पफ बाल्स कहते हैं, लाइकोपार्डन करके एक फंजाई होता है जिसको हम पफ बाल कहते हैं। ड्यूटरोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं, डस्टबिन ऑफ फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? डस्टबिन ऑफ फंजाई कहते हैं। तो ये ड्यूटरोमाइसिटीज का नाम है, कॉमन नेम हमने बता दिया। चलिए दूसरी चीज़ है बच्चों, यहाँ पे इसकी सेल वॉल किसकी, तो हमने कहा कि इसकी सेल वॉल फाइकोमाइसिटीज की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, ये एल्गी जैसा कैरेक्टर शो करता है, ये इंपॉर्टेंट। बाकी सबकी सेल वॉल काइटिन की, इसकी भी काइटिन, ये भी काइटिन और ये भी काइटिन। चलिए इसका माइसिलियम देख लेते हैं। इसका माइसिलियम एसेप्टेट अनब्रांच सीनोसिटिक होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेप्टेट होता है, सीनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएट, बाकी सबके सेप्टेट ब्रांच होते हैं, सेप्टेट ब्रांच होते हैं, सेप्टेट ब्रांच होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कोई सेप्टा तो है नहीं, यहाँ पे सिंपल सेप्टा होता है, इसमें सिंपल और डोलीपोर सेप्टा दोनों होता है बेसिडियो में, ये मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में, पहले ही लेक्चर में मैंने डोलीपोर सेप्टा बताया था और इसमें सिंपल सेप्टा होते हैं। ठीक है, चलिए अगली चीज हम देख लेते हैं जरा। नेक्स्ट चीज क्या कहता है कि यहाँ पे अगला क्या है, ए सेक्सुअल स्पोर है। ए सेक्सुअल स्पोर को देखेंगे हम, जो हमारा ए सेक्सुअल स्पोर है उसमें देखो, फाइकोमाइसिटीज में जूस्पोर्स मोटाइल होता है, एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होता है, और एस्को में कोनिडिया होता है, कोनिडिया ड्यूटेरो में भी होता है, इसमें एब्सेंट होता है, किसमें, बेसिडियो में एब्सेंट होता है, और कोनिडिया हमेशा एग्जोजिनसली प्रोड्यूस होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कोनिडिया जिस फ्रूटिंग बॉडी पे होता है उसको कोनिडियोफोर्स कहते हैं, कोनिडियोफोर ब्रांच होते हैं पेनिसिलियम में। ठीक है ना, चलिए सेक्सुअल स्पोर्स क्या क्या है देख लेते हैं। इसमें फाइकोमाइसिटीज में ओ स्पोर और जाइगो स्पोर है, एस्कोमाइसिटीज में एस्को स्पोर है, मैंने अभी बताया था पिछले लेक्चर में, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियो स्पोर है, इसमें तो एब्सेंट है, ड्यूटेरो में सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट है। सेक्स ऑर्गन देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिडियो में ए सेक्सुअल स्पोर और सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है, इसमें भी एब्सेंट है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है। अच्छा सेल टाइप देख लेते हैं। सेल टाइप ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये यूनि और मल्टी दोनों होता है क्योंकि यहाँ पे ईस्ट होता है। ठीक है, ईस्ट एस्कोमाइसिटीज का है, इसीलिए ये यूनि सेलर होता है। बाकी सारे के सारे फंजाई कैसे होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं। एक और स्टेज मैंने लिखा डाइकैरियोफेज। बताओ डाइकैरियोफेज क्या होता है, जब एन प्लस एन डायरेक्टली टू एन नहीं बनाता है, कुछ देर के लिए रह जाता है, तो इसी को हम डाइकैरियोफेज कहते हैं। वो फीचर है एस्को और बेसिडियो का, बाकी इसमें फाइको और ड्यूटेरो में एब्सेंट होता है। तो दिस चार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ये चार्ट पढ़ लेते हो तो फंजाई आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली चीज़ हम जरा देख लेते हैं, एग्जाम्पल सबके देख लेते हैं, सबके एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एग्जाम्पल के लिए मैंने एक कोड बनाया बच्चों, वो मेरा कोड है, आपको पसंद आता है तो अच्छी बात है, आप उसको देख लेना। तो सबसे पहले हम फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल देखते हैं। फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल देखिए, मुकुल एंड राजू ऑलरेडी लर्नड फिजिक्स। मुकुल और राजू ने पहले से ही फिजिक्स पढ़ लिया है। मुकुल से हमारा जाएगा म्यूकर, राजू से हमारा राइजोपस जिसको ब्लैक बोर्ड ब्रेड मोल्ड कहते हैं, ऑलरेडी से अल्ब्यूगो जो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर डिजीज कॉज करता है। ठीक है, और
फिजिक्स से देखो, एक तो हमें पता चल गया फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल है, और एक पाइथियम, इससे हमें ये पता चल चुका है कि पाइथियम भी इसका एग्जांपल है, डैम्पिंग ऑफ डिजीज कॉज करता है। क्या करता है? डैम्पिंग ऑफ डिजीज। अब सारे डिजीज मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, तो इस तरीके से हम इसको जो है देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए एस्कोमाइसिटीज का। एस्कोमाइसिटीज का जो एग्जाम्पल है ना, बहुत थोड़ा सा आप लोगों को एक सेंटेंस देखना पड़ेगा। कोई फ्रेंड है, वो अपने आशीष से कहता है, आशीष से कहता है कि चलो भाई कहीं घूमने चलते हैं, ठीक है, चलो भाई कहीं, सॉरी किसी फ्रेंड से कहता है मतलब कोई फ्रेंड जो है यहाँ कह रहे हैं कि आशीष से कहता है कि चलो भाई, आशीष आशीष किसी से कहता है कि हमें घूमने नहीं जाना है, ठीक है ना, हमें घूमने नहीं जाना है, तो वो कहता है कि प्लीज़ आशीष हमें घूमने नहीं जाना है, क्योंकि मेरे साथ कंडीशन क्या है कि मेरे क्लेविकल में पेन हो रहा है और मुझे न्यूरो का भी ट्रबल है, न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। तो वो कह रहा है कि ध्यान समझना इस सेंटेंस को, प्लीज़ आशीष हमें नहीं जाना है, आई एम सफरिंग फ्रॉम पेन इन क्लेविकल, ठीक है ये देखना, ये एंड ट्रबल ऑफ न्यूरो सिंस मॉर्निंग। देखो आशीष प्लीज कह रही हूँ कि या कह रहा हूँ कि हमें घूमने इसलिए नहीं जाना क्योंकि सुबह से ही मुझे क्लेविकल हड्डी जानते हो ना, ये वाली हड्डी, क्लेविकल में पेन हो रहा है और मुझे न्यूरो की भी प्रॉब्लम हो रही है सुबह से, इसलिए हम घूमने नहीं जाएंगे। तो देखो प्लीज से हम पहले पेजाइजा, प्लीज से हमारा क्या हो गया, पेजाइजा हो गया, एक बार जरूर नोट कर लेना इस चीज को, ठीक है। आशीष से हमारा एस्पर्जिलस और एस्कोबोलस, एस्पर्जिलस और इसको, सफरिंग से हमारा हो गया ये सैक्रोमाइसिस जो कि ईस्ट है यूनिसेलर, ठीक है। पेन से हमारा पेनिसिलियम हो गया, ओके। क्लेविकल मतलब हमें क्लेविकल में पेन हो रहा है, मतलब क्लेविसेप्स परप्यूरिया हो गया। ट्रबल से यहाँ पे हो गया ट्रफल्स एडिबल फंजाई होते हैं। न्यूरो से हमारा हो गया न्यूरोस्पोरा जो कि ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम कहते हैं, इस पर बहुत सारे जेनेटिकल न्यूरोलॉजिकल मतलब जेनेटिकल वर्क होते हैं, ठीक है। और सिंस मॉर्निंग से हो गया मॉरल भी एडिबल फंजाई है। तो ये इसके एग्जांपल आप लिख सकते हो, प्लीज आशीष आई एम सफरिंग फ्रॉम पेन इन क्लेविकल एंड ट्रबल ऑफ न्यूरो सिंस मॉर्निंग, है सही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो चलिए नेक्स्ट हम लोग जरा ध्यान से देख लेते हैं बेसिडियोमाइसिटिस का एग्जांपल। बेसिडियोमाइसिटिस का एग्जांपल क्या कहता है, चलिए देखिए बेसिडियोमाइसिटिस का एग्जांपल है, पहले जान लीजिए कि बेसिडियोमाइसिटिस में आते क्या क्या हैं। इसमें आता है मशरूम आता है, रस्ट आता है, और स्मट आता है, और पफ बॉल आते हैं। क्या आते हैं? पफ बॉल्स आते हैं। तो इतना याद रखना। चलिए देखिए एक इसका मैंने ट्रिक बनाया है, वो आप ध्यान देना। मिस्टर अंगार एंड श्रीमती उषा बेसिक पजल रट रहे हैं। ये सब देखिए मेरा ट्रिक होता है, क्योंकि मैं कभी भी बहुत सारी चीज़ें, मैं बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी हूँ, तो मैं किसी की चीज़ें जो है कंटेंट ना तो लेती हूँ ना तो मैं उसको यूज़ करती हूँ, मेरा खुद का कंटेंट होता है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, मिस्टर अंगार एंड श्रीमती उषा। मैंने ये कोड इसलिए बनाया है कि बहुत सारे बच्चे अस्टिलागो रस्ट स्मट में कन्फ्यूज़ होते हैं कि पक्सीनिया रस्ट है कि स्मट है, अस्टिलागो रस्ट है कि स्मट है, तो बहुत मैंने इसलिए इसको कोड बना दिया। प्लीज मिस्टर अंगार एंड श्रीमती उषा बेसिक पजल रट रहे हैं। तो चलिए देखिए मिस्टर से हो जाएगा मशरूम, जिसको हम अंगार से हो जाएगा एगारिकस, इसका कॉमन नेम क्या है, एगारिकस। श्रीमती उषा, श्रीमती से देखो स्मट आ गया स्मट, उषा से इसको अस्टिलागो। बेसिक से हमें पता है कि ये बेसिडियोमाइसिटिस का एग्जांपल है, क्योंकि मेरे हर एक कोड में आपको ये पता जरूर चलना चाहिए कि वो हम कोड किसका पढ़ रहे हैं, है ना, इसको कहा है कि बेसिडियो का है कि ड्यूटेरो का है, तो इसलिए मैं उसको इस बात का ध्यान रखती हूँ। पजल से हमारा हो गया पक्सीनिया, ठीक है, पक्सीनिया रट से हो गया रस्ट, तो पक्सीनिया को हम रस्ट कहते हैं। अच्छा मशरूम की कुछ स्पीसीज हम देख लेते हैं, जैसे सेलियोटा कम्पेस्ट्रिस मशरूम है जो एगेरिकस जो एडिबल जो खाता है, कुकुरमुत्ता कहते हैं जिसको, और एक बड़ा पॉइजनस सा मशरूम है जिसको एमानिटा फेलॉइड कहते हैं, पॉइजनस मशरूम कहते हैं, सीजर मशरूम कहते हैं, या डेथ चेयर कहते हैं, या डेथ कैप कहते हैं, क्योंकि एक सीजर करके थे, जूलियस सीजर नहीं, सीजर थे, उनकी पत्नी ने उनको किसी का मतलब इसको पीस के मिला दिया था और वो उनकी डेथ हो गई, इसलिए इसको सीजर मशरूम कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो चुकी है, चलिए अगली चीज़ देख लेते हैं।
अच्छा मैंने ड्यूरो, लाइकोपर्डन भी इसका एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है लाइकोपर्डन? पफ बाल कहते हैं, लाइकोपर्डन को पफ बाल कहते हैं। बेसिडियोमाइसिटिस का ही एग्जांपल है, बेसिडियोमाइसिटिस का ही एग्जांपल है। अच्छा पक्सीनिया को जरा देख लेते हैं। पक्सीनिया से क्वेश्चन पूछा जाता है रस्ट, अभी हमने बताया था फर्स्ट। पक्सीनिया ग्रैमिनस रेटिकाई, इसकी थोड़ी सी लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। पक्सीनिया ग्रैमिनस रेटिकाई यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो पक्सीनिया को जरा देख लेते हैं, इसको हम वीट रस्ट कहते हैं या स्टेम रस्ट, इसी को कहते हैं हम लोग। और इसके लाइफ साइकिल में टू फेज होते हैं, एक डाइकैरियोफेज और एक हैप्लोफेज। अच्छा डाइकैरियोफेज जो होता है ना प्राइमरी होस्ट पे होता है, और प्राइमरी होस्ट उसका वीट होता है। वीट का मतलब ट्रिटिकम एस्टाइवम। डाइकैरियोफेज जहाँ पे डाइकैरियो मतलब डिप्लॉइड फेज अगर हम बात करें, हैप्लोफेज इसका सेकेंडरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट इसका बर्बरी प्लांट होता है, बारबेरिस वल्गैरिस, ठीक है। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फाइव टाइप्स ऑफ स्पोर बनते हैं, इसकी लाइफ साइकिल में फाइव टाइप ऑफ स्पोर बनते हैं, और स्पोर का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देख लेना। स्पोर देखिए, यूरिडो स्पोर, टेल्यूटो स्पोर, बेसिडियो स्पोर, पिकनीडियो स्पोर या और एसियो स्पोर, ये पांच स्पोर इसका सीक्वेंस ऐसे याद रखना, UTBPA, UTBPA से याद रख लेना, ठीक है। तो पांचों का सीक्वेंस, यूरिडोस्पोर डिवाइड करके टेल्यूटोस्पोर, टेल्यूटोस्पोर डिवाइड करके बेसिडियो, बेसिडियो डिवाइड करके पिकनीडियो, पिकनीडियो डिवाइड करके एशियो, फिर एशियो। तो देखो ये दो स्पोर्स जो है ना वो वीट पे पाया जाता है। वीट क्या है? प्राइमरी होस्ट है। और फिर टेल्यूटोस्पोर जो है वो डिवाइड करके बेसिडियोस्पोर बनाता है, और बेसिडियोस्पोर सॉइल में जो भूसा होता है आपको पता है ना, वीट का जो क्या कहते हैं उसको हम हे या कुछ ऐसा कुछ कहा जाता है, आपको याद नहीं आ रहा है। तो ये बेसिडियो सॉइल में होता है, फिर ये बेसिडियो जो है ना सेकेंडरी होस्ट को इन्फेक्ट करता है। तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है बच्चों कि प्राइमरी होस्ट को कौन इन्फेक्ट करता है और सेकेंडरी होस्ट को, तो याद रखना जो बेसिडियो है, बेसिडियो स्पोर है, वो इन्फेक्टिव स्टेज है फॉर द सेकेंडरी होस्ट बर्बेरिस, ठीक है ना। बर्बेरिस का इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? बेसिडियो। और बेसिडियो फिर इसको इन्फेक्ट करके पिकनो बनाएगा। अल्टरनेट प्लांट बर्बेरी है, पिकनो पे ये दोनों पाए जाते हैं, एसीओ, ये डिवाइड करके एसीओ, और एसीओ स्पोर्स से जो स्पोर्स निकलेगा, एसीओ स्पोर्स जो हैं वो इनफेक्टिव स्टेज हैं वीट के लिए। किसके लिए? वीट के लिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्राइमरी होस्ट का इनफेक्टिव स्टेज एसीओ स्पोर है, और सेकेंडरी होस्ट का इनफेक्टिव स्टेज बेसिडियो स्पोर है। और ये दो स्पोर्स जो हैं वो पाए जाते हैं आपके वीट के लीफ में, और ये दो वीट का लीफ पूछ रहा है ना, तो लीफ में तो ये पाया जाता है, बाकी ये जो है ना लीफ में नहीं होता है, वीट के और जगहों पे होता है, सॉरी। तो इस तरीके से देखिए ये चीज़ यहाँ पे समझ में आना चाहिए आपको। और एक चीज़ और आपसे पूछा था कि एक पक्सीनिया का एक स्पीसीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं पक्सीनिया स्टिलीफॉर्मिस, ये आपको येल्लो रस्ट कॉज करता है। ये क्या कॉज करता है? येल्लो रस्ट कॉज करता है। लेट मी चेक द टाइम। अब हम फंजाई का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। फंजाई का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है कि इसको ऑर्गेनिक एसिड की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। कुछ मैंने लिखा है फ्यूमरिक एसिड, गैलिक एसिड, कोजेइक एसिड। एक मिनट, शायद आप लोगों को दिख तो रहा है ना, चलिए ठीक है। और सिट्रिक एसिड, जो फ्यूमरिक एसिड है वो राइजोपस की स्पीसीज से प्राप्त करते हैं, गैलिक एसिड एस्पर्जिलस गैलोमाइसिस से प्राप्त करते हैं, ये डाई और इंक की तरह यूज होता है। कोजिक एसिड जो होता है एस्पर्जिलस ओराइजी से प्राप्त करती है, एंटीसेप्टिक है। और सिट्रिक एसिड तो बहुत कॉमन है, एस्पर्जिलस नाइगर से प्राप्त करते हैं, ये एक तरीके का एसिड है। अच्छा नेक्स्ट है भैया कि इसको हम मेडिसिन की तरह भी यूज करते हैं, तो चलिए देखते हैं मेडिसिन की तरह इसको हम कैसे यूज करते हैं, इसको भी जरा ध्यान से देख लेते हैं। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा ड्यूटेरोमाइसिटिस का एग्जाम्पल है, ड्यूटेरोमाइसिटिस। अभी मैं ड्यूटेरोमाइसिटिस के एग्जाम्पल नहीं बताई हूँ, मैं बता दूंगी अभी आपको। ट्राइकोडर्मा से एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट निकाला जाता है जिसको हम कहते हैं साइक्लोस्पोरिन ए। क्या कहते हैं? साइक्लोस्पोरिन ए। अच्छा ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट क्या करते हैं? ये सेलुलर इम्यूनिटी को रोकते हैं और ग्राफ्ट रिजेक्शन को रोकते हैं। ग्राफ्ट मतलब कोई चीज़ का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है अगर किसी में, तो वहाँ पर वो ऑर्गन रिजेक्ट ना हो जाए, ग्राफ्ट रिजेक्ट ना हो जाए, इसकी वजह से उसको इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग दिया जाता है। और ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है टी सेल की वजह से, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट कहते हैं टी सेल की वजह से, और वो टी सेल सेलुलर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट सेलुलर इम्यूनिटी को ही रोक देता है, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं होगा।
दूसरा है मोनेस्कस परप्यूरिया। मोनेस्कस परप्यूरिया से एक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट निकाला जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिन कहते हैं। पेनिसिलियम नोटेटम से बहुत सारा जो है आपको पता है पेनिसिलिन निकाला जाता है और इसको हम वांडर ड्रग कहते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की थी। क्लेविसेप्स परप्यूरिया हमें पता है, इसको इरगार्ड फंजाई कहते हैं, एस्कोमाइसिटिस का। इससे एक एलएसडी लिथर्जिक डाइएथाइलमाइड लिसर्जिक डाइएथाइलमाइड करके एक हेल्यूसिनोजन ड्रग निकाला जाता है और ये एक पैरासाइट है राई प्लांट का। किसका? राई प्लांट का, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इसको हम एक्सपेरिमेंट में भी यूज़ करते हैं बच्चों। एक्सपेरिमेंट में किसको यूज़ करते हैं, जैसे देखिए न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा को हम क्या कहते हैं, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। दूसरा है फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम को हम जिब्रेला फ्यूजिक्राई कहते हैं। तो ये सब हम जो है एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं। इससे जिब्रेला फ्यूजिक्राई से हम लोग जिब्रेलिन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन हम लोग पढ़ते हैं। ओके, ये प्लांट हार्मोन है। सिम्बायोटिक में तो हमें पता ही है माइकोराइजा। माइकोराइजा में कौन सी फंजाई की सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज माइकोराइजा है, तो हमें पता है कि ये हायर प्लांट के रूट और फंजाई के बीच का एसोसिएशन है। तो इसमें ग्लोमस स्पीसीज सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। इसके अलावा पैलस और बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, लेकिन जो जरूरी है वो ये है। और ड्यूट्रोमाइसिटिस के मैंने एग्जाम्पल दे दिए हैं, उसको आप ऐसे याद रखना। आखिरी में मैं ये एग्जाम्पल आपको इसलिए बता रही हूँ, कि आपको क्या करना है कि आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी कोई भी एग्जाम निकालना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए डिटरमिनेशन। क्या होना चाहिए? डिटरमिनेशन। चलो, पहली चीज तो डिटरमिनेशन हो गई। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? आपके पास अच्छी बुक्स तो होनी चाहिए ना। तो कलेक्शन ऑफ अल्टरनेट बुक्स ये भी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, क्या सारी बुक्स पढ़ के आप एग्ज़ाम निकाल लोगे? थोड़ा सा कुछ ट्रिकी नॉलेज भी होना चाहिए, ट्रिक्स वगैरह भी होना चाहिए। जैसे आपको ढेर सारे एग्जाम्पल लर्न करने हैं तो आप वहाँ पर कितनी नॉलेज अप्लाई करोगे, तो आपको कुछ यहाँ पे ट्रिक्स भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ट्रिक्स भी आना चाहिए। ठीक है, ओके, ये चीज़ आपको पता है। आप देखिए, डिटर्मिनेशन से हमें पता है ये ड्यूटेरोमाइसिटिस का एग्जाम्पल है। कलेक्शन ऑफ अल्टरनेट बुक, कलेक्शन मतलब कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेट का मतलब अल्टरनेरिया, ठीक है, अल्टरनेरिया, ट्रिक्स का मतलब ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो आप, और एक और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है फ्यूजेरियम। क्या है? फ्यूजेरियम, इसी को हम कहते हैं जिब्रेला फ्यूजिकोराई। क्या कहते हैं? जिब्रेला। तो ये चीज़ आपको बताना है, डिटर्मिनेशन, कलेक्शन ऑफ अल्टर बुक, अल्टरनेट बुक्स एंड ट्रिक्स। ठीक है बच्चों, चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। कुछ प्लांट में भी इसके कॉमन डिजीजेस हैं, इसको देख लें, प्लांट के कॉमन डिजीज देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देख लेना जरूर। प्लांट में ये कॉमन डिजीज क्या कॉज करता है? तो पहला है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थेरा इंफेस्टेंस, एरबॉट ऑफ राई क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस हेल्मिंथोस्पोरम ओराइजी, टिक्का डिजीज बहुत बहुत कुछ सब। देखिए, मैंने जितने इंपॉर्टेंट है मैंने वही लिखे हैं, सर्पस्पोरा से, डैम्पिंग ऑफ डिजीज जो है पाइथियम से, रेड रॉट ऑफ शुगर केन कोलेटोट्राइकम से, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी अल्बुगोकैंडिडा से, पाउडरी मिल्ड्यू इराइसिफेस से। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए आगे देख लें, इसको उसके बाद देख लीजिए। यहाँ पे आगे हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया हमारा, यहाँ पे देख लें इसको, वाइट रस्ट ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू एराइसिफे, स्पॉट ऑफ मेज, ठीक है, स्लॉगोमेजेलिस, लूज स्मट ऑफ वीट, यूरोसिस्टिस, याद रखना है, लूज स्मट ऑफ वीट अगर हम बात करें तो यूरोसिस्टिस, रस्ट ऑफ वीट, पक्सिनिया, बहुत सारे वाइट रस्ट, येलो रस्ट, पक्सिनिया स्टिलीफॉर्मिस, ये सब, ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, ये भी बहुत पूछा जाता है कि पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा हो गया, डैम्पिंग ऑफ डिजीज हो गया, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये सब बहुत पूछता है। ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनी कोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनी कोला। ठीक है, अब कुछ डिजीज फंजे जो एनिमल में भी कॉज करता है, जैसे एथलीट फूड, जो एथलीट होते हैं, जो तैराक वगैरह होते हैं, वहाँ पे एक टीनिया रुब्रम होता है, वो उनके पैरों में चुभ जाता है, वो होल करके बॉडी में आ जाता है। रिंग वर्म, दांत खाज खुजली, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम और एपीडर्मोफाइटोन,
और एस्पर्जिलोसिस कौन कॉज करता है, लंग, जो एस्पर्जिलोसिस होता है वो लंग डिजीज है, एस्पर्जिलस कॉज करता है। तो दिस इज द एंड ऑफ फंजाई। आप खुद ही देख लेना कि आप इतना सॉलिड जो प्रिपरेशन है, सॉलिड तरीके से सारा का सारा लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये आपने 20-20-40-45 मिनट में सारा का सारा फंजाई आपने पढ़ लिया, और अगर आप इसे 40 मिनट और दे दें दोबारा से इस वीडियो को देखने, तो पूरा पक्का है कि आपका एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो अब से जो क्लासेस होंगी पूरे के पूरे, जैसे मेरा क्या है ट्रिक, मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊँगी एल्गी पे बनाऊँगी, एल्गी इस तरीके से खत्म हो जाएगी, 1-2 लेक्चर 20-20 मिनट का ऐसे होगा। इसके बाद जैसे मैंने ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा सबका ऐसे ही लेक्चर में बनाऊंगी, और वो आपको ऐप पे मिलेंगी, या फिर जिससे भी आप सपोर्ट टीम से बात करिए उसको, वो जैसे भी आपको या तो लिंक भेज दिया जाए जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, या तो फिर उनको ऐप पे दे दिया जाए, तो जैसे भी पॉसिबल होगा वो काम आपको कर दिया जाएगा। तो सारे चैप्टर के ऐसे, जैसे आपको प्रोटोजोआ का एक ऐसे ही मैंने नोट बना दिया, उसको बता दिया कि इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे हैं, पोरीफेरा का ऐसे ही। तो इस तरीके से जो है आपकी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड हो जाएगी, और फालतू के नोट्स पढ़ने से बच जाएंगे, फालतू के बुक्स पढ़ने से बच जाएंगे, और लास्ट में जो है आपको कुछ क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है, वो सारी चीज़ें बता दी जाएगी। थैंक यू, आप लोग पढ़ते रहिए, कोई भी चीज़ है कमेंट करके आप बताइए, कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं वो भी बताइए, क्योंकि देखिए हर टीचर जो है ना वो ज़िंदगी भर सीखता है, ऐसा नहीं कि मैं एक टीचर हूँ और हाँ, हालांकि मैंने बहुत सारी चीज़ें क्रैक की है तो मुझे एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखती हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है जो लोग कहते हैं कि मैम आप अच्छा पढ़ाती हैं, और जो लोग कुछ अदर कमेंट करते हैं तो उस पर भी मैं देखती हूँ कि हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ चीज़ें ऐसी छूट रही हों जो स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है, या कोई दिक्कत हो रही है, तो मैं उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब बातें बाद में होंगी, अभी जो अगला लेक्चर होगा वो आपको पेड क्लास से ही मिलेगा, तो आप देख लीजिए। और GIC क्रैश कोर्स का फीस बहुत स्मॉलर फीस रखा गया है, 2000 रुपये रखा गया है, आप कोशिश करिए कि पे करिए, पढ़िए 2000 में। अगर आपको बहुत सारी बहुत लेंथी सिलेबस है, आपको नहीं यकीन होता है कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मैं, मेरा एक छोटा सा बेबी भी है, मैं बहुत सारी चीज़ें अरेंज करती हूँ आप लोगों के लिए, तो क्योंकि मैं एक्चुअल में एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल देखे हैं, बहुत सारे लोगों के नोट्स देखे हैं, लेकिन आई जस्ट डोंट लाइक देम लिटरली। हर एक टीचर अच्छा होता है, हर एक टीचर के पढ़ाने का तरीका अच्छा होता है, सब कुछ है, टीचर गुरु है हमारा, लेकिन क्या इस लेवल पे आके भी आप इतने बड़े बड़े पोथे पढ़ें, इतने बड़े बड़े नोट्स पढ़ें, कैसे तैयारी करोगे आप? इस तरीके से तैयारी नहीं होती है। कॉम्पिटिशन में जाने के लिए आपके पास छोटा सा, मतलब आपके पास ऐसा नोट हो, आपके पास ऐसा तरीका हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकें, कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर सकें, रटने वाले स्टडी से दूर रहें, ठीक है। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, सबका अपना अलग अलग वे ऑफ टीचिंग होता है, तो वो डिपेंड करता है कि मैं सोच रही हूँ कि इस तरीके का रिवोल्यूशन लाया जाए कि स्टूडेंट्स को एक बेहतर प्रिपरेशन मिल सके, एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके, जहाँ पे वो एक बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कर सके, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, आप लोग पढ़ते रहिए, और आप जरूर से जरूर बताइएगा